हम लोग जो है ये चार चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। चार चैप्टर का जो की पॉइंट है उसको हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए की पॉइंट में सबसे पहला बेसिक चीज आता है कि ये जो दो चैप्टर है, ये दो चैप्टर कहिए और इसको भी कहिए, ये तीनों सिमिलर बेस्ड है। क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सब में एग्जैक्ट लगेगा, समझ गए। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होगा, चेंजिंग होगा। इसमें जैसे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो वो चीज़ यहाँ आके पलट जाता है, समझ गए। इसमें जो होता है कि सेम डायरेक्शन में घटता है, जबकि नॉन आइएगा सेम डायरेक्शन में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में तो हम क्या करेंगे, ये तीन चीज़ जिसमें सिमिलरिटी है तीनों को आगे पढ़ेंगे, नॉन स्ट्रीम को क्या करेंगे बाद में पढ़ेंगे, समझ गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चाल दूरी से। ये चारों चैप्टर का हेडिंग रख लीजिए, यही चीज़ मिलेगा। चारों का जो है मेटेरियल एक साथ ही मिलेगा, तब आदमी ले लीजिएगा, टाइप हो गया है। तो चाल दूरी में सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, बेसिक फॉर्मूला। फॉर्मूला को जितना हम लोग डिस्कस करेंगे उतना प्रश्न आपको आसान होगा। सबसे पहला चीज हम लोग जानते हैं कि दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, दूरी में क्या होता है। तो दूरी को समझिए कि एक तरह का दूरी जो है समतल होता है, क्या होता है, समतल। इसका फॉर्मूला भी कैसा होगा, समतल टाइप का होगा, कैसा होगा, समतल टाइप का। तो ये हो जाएगा दूरी बराबर क्या, चाल गुना समय। देखो समतल है ना, कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, एकदम एक लाइन में लिखा है। दूरी जमीन के तय करते हैं, जमीन क्या होता है, समतल होता है, इसलिए दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, पहला चीज है। अब चाल जो है इसमें पूरे चैप्टर में चाल का रोल जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप चाल समझ गए तो दुनिया का कोई प्रॉब्लम आसानी से बने। देखिए चाल का मतलब क्या होता है, चाल जब यहाँ से डिफाइन करोगे, समय से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। चाल जब यहाँ से डिफाइन करेंगे तो ये समय इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हो गया कितना, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये सबसे VVI है, इसी को हम लोग को समझना है। इसको सब VVI मार्क भी लिख दोगे, क्या आपके बारे में यहीं से काम करते चलेंगे, जो वहाँ समस्या नहीं होगा। ठीक, और तीसरा चीज इससे हम लोग क्रिएट करेंगे समय। समय का उतना कोई खास रोल नहीं है, जब चाल अच्छे समझ जाइएगा तो समय ऑटोमेटिक खींचा जाता है साथ साथ, समझ गए। तो चलो फिर भी समय हम जब निकालते हैं, समय जब निकालिएगा तो ये चाल जो है दूरी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मतलब हो गया दूरी बटे क्या हो गया, चाल हो गया। अब देखिए हम चाल को थोड़ा सा समझा रहे, बेसिक चीज हो गया। अगर मान लेते हैं अब स्पीड अगर पूछ दिया है, सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें, अतिमान कृपा होगी, धन्यवाद। 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति एक घंटा में कितनी दूरी जा सकता है, कोई व्यक्ति बस 50 किलोमीटर। आप क्वेश्चन अगर आप इसमें कहेगा कि बताइए कि कोई व्यक्ति 3 घंटा में कितना जाएगा, तो 3 घंटा में जाएगा तो 3 को यहीं पे बैलेंस करेंगे, 3 को ऊपर बैलेंस करना। यही चीज हमको यहाँ से लेके रियल टाइम तक काम करना है। जितना समय बोलेगा उतना समय हम यही काम करेंगे। यहाँ पर देखो हो जाएगा ऊपर 150 किलोमीटर, बटे कितना हो जाएगा, 3 घंटा। अगर मान लेते हैं एक ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं, सपोज कल्पना कर रहे हैं कि 100 मीटर पर सेकेंड, कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका करने का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में कितना जा रहा होगा, 100 मीटर। वंदे मातरम होगा, तेजस होगा, ये होगा, ठीक है। एक सेकंड में कितना जा रहा है, 100 मीटर। अब इसमें सेकंड जो प्रश्न तैयार करता है वो तैयार कैसे करेगा कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 3 सेकंड में पार कर, 3 सेकंड में पार कर। इसका मतलब हुआ कि वह 300 मीटर की दूरी जो है 3 सेकंड में क्या किया, कवर किया। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 100/1 सेकंड, समझ गए। ये जो चाल है, अब इसी में अगर मान लेते हैं, अगर हमको क्वेश्चन आपसे मतलब ट्रेन में पूछा जाता कि बताइए कि वह ट्रेन जो है 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करती, तो हम यहीं पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करते, ये भी 300 मीटर हो जाता और ये भी 3 सेकंड हो जाता, 3 सेकंड का कॉन्सेप्ट हम यहाँ दे देते, समझ गए। अगर यहाँ पे अगर मान लो कल्पना करता है कि ये 200 मीटर नहीं देखे, 200 मीटर को हिडन नहीं कर देता कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, x मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसके बाद अगर ट्रेन का स्पीड दे दिया तो 3 सेकंड वो कितना दूरी कवर करेगा, कवर कर लेते मान लो तो 250 कवर करेगा,
तो ये ट्रेन की लंबाई अगर 100 मीटर है तो उधर कितना बचा 150, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो आपका कितना 150 मीटर कवर करेगा। मतलब पूरे चैप्टर में जो है स्पीड का सबसे बड़ा रोल है, अगर स्पीड को जितना तोड़ मरोड़ के समझ जाते हैं तो उतना मजा आएगा। बात समझ गए, ये फॉर्मूला लिख लिए हैं तो चलिए हम सबसे पहले स्पीड पे ही काम करेंगे। मिटा दे इसको, चलिए आप लोग पहला हेडिंग दीजिए, पहला हेडिंग है आपका किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें, ये सीखना है। तो किलोमीटर पर आवर चाल है, मीटर पर सेकंड भी आपका क्या है चाल। तो अब हम पहले देखेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक किलोमीटर का मतलब कितना हो गया 1000 मीटर, और एक घंटा का मतलब कितना हो गया 3600 सेकेंड हो गया। ये 0000 खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको भी काट लो, 2×5 = 10, 2×18 बाद में मतलब 5/18 क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब कोई किलोमीटर पर आवर में चाल रहेगा तो उसको मीटर पर सेकेंड में ले जाने के लिए किससे से गुना करना पड़ेगा, यही आपका रिमार्क हो गया। ये क्या हो गया रिमार्क हो गया कि जब आपको किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया रहेगा इसको जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। चलो इसमें हम लोग चेंज करते हैं, जब स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए 108 किलोमीटर पर आवर को चेंज कीजिए, 108 किलोमीटर पर आवर को चेंज कीजिए। इसको करना क्या है 108 तो है ही, इसको 5/18 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना और यूनिट चेंज करके लिख देना है मीटर पर सेकंड। 18 से कितना बार कटता है 6 बार, 6×30 मीटर पर सेकंड हो गया। चलिए अगला चेंज कीजिए, चेंज करो 22.2 4। इसको पहले क्या करना तोड़ना है 22×44 = 45 हो जाएगा, 45/2 किलोमीटर पर आवर है इसको, इसको हमको कहाँ ले जाना है मीटर पर सेकंड में। 45/2 और मल्टीप्लाई 18 क्या हो जाएगा सॉरी 5/5 हो जाएगा, ये 9×5 = 45, 9×2 = 18 आपका 25 कितना हो गया 4 हो गया, मतलब 6.25 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छा। तो अगला क्वेश्चन छोटा सा और कर लेते हैं, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, अब यहाँ पे जो लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, सबको एकदम मौखिक याद रहा, 18 के पहाड़ा में जितना बार आएगा उसको 5 से गुना कर देना, जैसे 18 को 18 कितने बार में काटता है एक बार में, 18 को एक बार में काटता है तो कहने का मतलब वो 5 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 36 किलोमीटर जैसे पूछेंगे तो 18×36 को कितने बार में काटता है, तो 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, वो 10 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। 54 को जो है कितने बार में काटता है 3 बार में, तो 5 से 15 मतलब इधर जो है
जितना भाग में मल्टीप्लाई करेगा उधर 5 से उतना गुना होते जाएगा। तो इसको आप वर्बली देख लीजिए, 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो 18 गुना 5 बटे 18, 18 कैंसिल हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसको जरूर नोट कर लीजिए, 36 किलोमीटर यही चीज़ सब नजर आएगा हमेशा, 36 किलोमीटर पर आवर है तो 36 को क्या करेंगे 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो 54 किलोमीटर को चेंज करेंगे 54 किलोमीटर पर आवर को, ये हो जाएगा 54 गुना 5 बटे 18, 18 * 54 15 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला आपका 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 पर किलोमीटर आवर को चेंज करोगे 72 गुना 5 बटे 18, 18 * 72 सब लिखा, मतलब लिखिए इसको, ये नहीं कि जान रहे तो नहीं लिखेंगे, लिखना है, समझ गए? और बोरिंग नहीं लग रही है, करो उसके बाद मज़ा आएगा, फिर 72 नहीं लिखे, लिखे 72 को अरे कोना में लगा। चलो ये किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए सीख है ना, ये हो गया, लिख लिए सभी आदमी। अब आगे हम लोग दूसरा टाइप सीखेंगे इसमें, दूसरा टाइप है कि मीटर पर सेकंड, अभी उल्टा किए थे ना, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में ले गए थे, अब की बार मीटर पर सेकंड को कहाँ ले जाना है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए क्या करना होगा, मीटर पर सेकेंड में जो यूनिट दिया होगा इसको आपका उलट के मल्टीप्लाई करना है, 18 बटे किससे गुना करना है 5 से, ये कन्वर्ट इनटू किस में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, उसके लिए मीटर पर सेकेंड वाले यूनिट को क्या करेंगे 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वह कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, समझ गए? चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं, मीटर पर सेकंड को बदलो, 2.5 मीटर पर सेकंड, क्या 9 क्या 9 प्रति घंटा, हाँ ऐसे बोलो, टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में ले जाने के लिए कैसे गुना करते हैं, 18 बाय 5 से, ये 2.5 है, इसको 18 बटे 5 से क्या करोगे गुना कर दोगे तो यह आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ढाई दूनी क्या होता है 5 होता है, खत्म हो गया, दो बार में दो से काटोगे 9 बार में, एकदम पहाड़ा तगड़ा याद रखो, समझ गए? डेसिमल नहीं उड़ाना। चलो अगला हम लोग चलते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड को चेंज करूँ, 10 को चेंज कीजिए, करना होगा मजबूरी है, हाँ बहुत अच्छा, फिर 20 को कीजिए 72, अभी जितना अच्छा एक्सपर्ट चेंज करने रहिएगा तभी जस्ट क्वेश्चन भी देंगे आपको समझना। तो देखो 5 मीटर पर सेकंड को बदलना है तो 5 को क्या करेंगे 18 बटे 5 से जैसे गुना कीजिएगा तो ये कन्वर्ट इनटू किस में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ये 5 यूनिट कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 18 किलोमीटर पर आवर। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इससे पहले वहाँ काम करवाए थे तो वहाँ भी देखिए 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड था, रिवर्स में बराबर होगा, इसको जब कीजिएगा 10 को एकदम लिखते जाइए, अभ्यास करना है, 5 × 10 = 36, ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगला 20 को चेंज करो, 20 को 18 बटे 5, 5 × 20 72 क्या किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छा। चलिए अगला चेंज कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुमान लगा लिए 90 ही देंगे,
90 का जब अनुमान लगा लिए थे 25 को चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 25 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया 25 गुना 18/5, 5 से काट दोगे ये 18/5 90 क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब हम आपको कुछ डेसिमल फॉर्म में दे रहे हैं, लिखिए आपका डेसिमल फॉर्म में सबसे पहले 12.5 मीटर पर सेकंड को चेंज करो, 12.5 कहीं हाथ से लाकर लिख रहा है, छूट गया क्या? 45 किलोमीटर चेंज करवाए थे क्या पहले वाला में? नहीं। चलो ठीक है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में ले जाएंगे 18/5 से गुना करेंगे, ठीक? 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ये 25.5 काटेगा और ये 10 काटेगा 90, तो ये हो जाएगा कितना? 45। 25.5 कितना होता है? 12.5। 2.5 × 2 कितना होता है? 5 होता है। अब ये हो जाएगा आपका 7.5 को चेंज करोगे 18/5 कितना? 5। 2.5 × 2, ठीक ना? ये हो जाएगा कितना? 9। कितना? 27 निकला था किलोमीटर पर आवर। आई होप आप लोग जो है ये चीज करने के लिए सीख गए हैं, ठीक? तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, तैयार है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक तांगे की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, जबकि एक लड़के की चाल, सर एक तांगे की चाल, हाँ 10 मीटर पर सेकंड है तथा एक लड़के की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। तो लड़का तथा तांगे की चाल का अनुपात क्या है? ये लिख लिए ये सब, इसको मिटा देना। रिमार्क लिखो, रिमार्क में लिखिए, रिमार्क में लिखिए हमेशा सेम यूनिट पे कार्य किया जाता है, ये ध्यान में हमेशा रखो, चाहे कोई भी मैथ बनाओ हमेशा कार्य किस पे किया जाता है? सेम यूनिट पे कार्य किया जाता है। अब यहाँ पे देखो एक तांगा जो है, तांगा का स्पीड जो है मेरा कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, जबकि वाइज स्पीड जो मेरा है 18 किलोमीटर पर आवर, यही बोले थे। अब एक यूनिट मेरा मीटर पर सेकंड में है, एक यूनिट मेरा किलोमीटर पर आवर में है। अब यहाँ पे सबसे पहली दुविधा ये है कि सबसे पहले हम क्या करें? सेम यूनिट करें। अब आपको यहाँ डिसीजन लेना है, या तो दोनों को हम मीटर पर सेकंड सापेक्ष चाल का डेफिनेशन लिखेंगे। दो वस्तुओं के चालों के अंतराल को सापेक्ष चाल कहा जाता है। सापेक्ष चाल के लिए अगला पॉइंट लिखेगा, सापेक्ष चाल के लिए दो वस्तु गतिमान होना जरूरी होती है। सापेक्ष चाल के लिए दो वस्तु गतिमान होना चाहिए। देखिए सापेक्ष चाल जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है आपको हम लोग पढ़ते हैं इसी जगह समझिएगा,
एक हम लोग पढ़ते हैं एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में, और एक होता है विपरीत दिशा में। ये हो गया सेम डायरेक्शन। ये हो गया आपका अपोजिट डायरेक्शन। आप देखिए इसमें होता क्या है कि अगर मान लेते हैं दो वस्तु है, अब यहाँ पे हम दो वस्तु की कल्पना कर लेते हैं कि दो वस्तु है, ये मूव कर रहा है किसे, S1 से, और ये जो है इसका स्पीड, अभी जनरली हम लिख रहे हैं ठीक ना, एक ही दिशा में मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं एक दिशा का मतलब हो गया एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये भी पार्टिकल क्या कर रहा है, इधर ही मूव कर रहा है, समझ गए। तो कहने का मतलब अगर इसका S1 चालू हो, इसका S2 चालू हो, तो इस कंडीशन में इसको एक दिशा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक दिशा। और इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड जो होगा RS होगा वो S1 और S2 का क्या होगा, डिफरेंसेज होगा। S1 S2 का क्या होगा, डिफरेंसेज होगा। हम यहाँ पे जो डिफरेंसेज दिए, जो बड़ी होगी वो बड़ी में छोटी घट जाएगी। अब यहाँ पे दो पार्टिकल अगर लेते हैं, दो पार्टिकल ले रहे हैं ठीक, एक आपका इस डायरेक्शन में है, एक आपका इस डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ये अगर S1 चाल से चल रहा है, ये S2 चाल से चल रहा है, इसका रिलेटिव स्पीड जो फाइंड कीजिएगा आप लोग वो हो जाएगा S1 प्लस क्या हो जाएगा, S2, S2 हो जाएगा। बात समझ गए, इसको नोट डाउन कीजिए। और इसमें आपके पास सबसे मतलब टफेस्ट सेक्शन को सबसे पहले पढ़ाते हैं, समझ गए, आसान तो आप लोग बना ही लेते हैं। जब सेम डायरेक्शन होगा घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा घटेगा, समझ गए, ये चीज याद रखना। और ये कॉन्सेप्ट जाके बोट एंड स्ट्रीम में केवल पलटता है, बाकी सब जगह यथावत है, समझ गए, चाहे कोई भी मैथ बनाइएगा सब जगह ये लगेगा। अब देखिए रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। दो वस्तु एक ही दिशा में, दो वस्तु एक ही दिशा में, दो वस्तु एक ही दिशा में कर्मशः कर्मशः 28 किलोमीटर पर आवर एवं 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिशील, दो वस्तु एक ही दिशा में कर्मशः 28 किलोमीटर पर आवर एवं 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिशील है, तो वस्तुओं का सापेक्ष चाल क्या है, 18 किलोमीटर। इसमें देखिए हम एक पार्टिकल का स्पीड जो आपका 28 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा पार्टिकल का जो है 10 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर है बात क्या, एक ही दिशा की बात हो रही है, क्या हो रही है, देखिए एक ही दिशा की बात हो रही है, तो एक ही दिशा का मतलब हो गया दोनों का स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड RS इक्वल टू हो जाएगा S1 - S2 बराबर 28 - 10 बराबर कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर चाहेंगे तो हम लोग मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा, 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड भी हो जाएगा ठीक। चलिए लिखिए क्वेश्चन है आपका, एक बिल्ली की चाल 12 मीटर पर सेकंड है तथा एक कुत्ते की चाल
बुद्धि की चाल 22 मीटर पर सेकंड। जब कुत्ता बिल्ली का पीछा करेगा तो उस समय सापेक्ष चाल क्या होगी? 10 किलोमीटर पर आवर बताना। करेगा तो उसका सापेक्ष चाल क्या होगा? अब यहाँ पे आपको सोचना है कि पीछा करने की बात जब भी आएगी, अब यहीं से कॉन्सेप्ट बनाइए। देखिए, पुलिस जब चोर का पीछा करेगा तो सेम डायरेक्शन होगा, समझो इधर। जब पुलिस चोर का पीछा करेगा तो सेम डायरेक्शन होगा, कुत्ता बिल्ली का पीछा करेगा सेम डायरेक्शन होगा, समझ गए? ये डायरेक्शन आपको समझना है। आपको ये सब चोर पुलिस में ये क्लियर नहीं करेगा कि आपको जो है ना कि कौन डायरेक्शन में भागा, बाकी सब में क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, कैट्स स्पीड है आपका कितना? 12 मीटर पर सेकेंड है। डॉग्स स्पीड कितना है? 22 मीटर पर सेकेंड है। इसका रिलेटिव स्पीड जो निकालेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, 22 माइनस 12 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। बट हमको बताना किस में है? किलोमीटर में, 36 किलोमीटर पर आवर निकल रहा है। तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से, 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा, ठीक बढ़ाए, क्योंकि रिलेटिव स्पीड पे क्वेश्चन दे रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन आपका, एक चोर पुलिस से 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है। 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है, क्लियर? यदि चोर और पुलिस की चाल क्रमशः पांच किलोमीटर पर आवर एवं इसका जो है 26 किलोमीटर पर आवर। चोर और पुलिस, मतलब चोर का चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस का चाल जो है 26 किलोमीटर पर आवर है। तो बताएं कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? देखो, 100 सेकंड। यहाँ पे आपको देखना है कि चोर पुलिस की जब बात होगी तो रिलेटिव स्पीड की बात होगी, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया मेरा? 26 माइनस कितना? 8। कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना जी। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो दोनों के बीच है, डिस्टेंस वो आपका कितना दिया? 500 मीटर का है। इसलिए टाइम टेकन जो इसका होगा, आपका टाइम टेकन ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। जब भी पकड़ने की बात होगी तो हमेशा आदमी से रिलेटिव स्पीड से कवर करेगा, किसे करेगा? रिलेटिव स्पीड से। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 500 अब बटे 5 बराबर कितना हो गया? 100 सेकंड हो गया। इसको मिनट और सेकंड में बताओ, 1 मिनट 40 सेकंड। 1 मिनट 40 सेकंड में क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा। तो किताब लाए हो इधर? है किताब किन्हीं के पास? चोर पुलिस वाला सब थोड़ा सा बता दे, निकाल के चलते दे। इसमें 2-3 स्टेप होता है। अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन हमको मिल जाएगा तो इसमें और सा स्टैंडर्ड को बढ़ा देंगे।
ठीक, जैसे क्वेश्चन आप लिखिए, ये बोला 26 - 60 = 18 किलोमीटर/आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड के लिए इसको 18/5 से गुना किया जाता है, 18 से गुना किया जाता है, 18 कैंसिल होकर 5 मीटर/सेकेंड हो गया, ये रिलेटिव स्पीड हो गया। और चोर और पुलिस के बीच की दूरी जो है कितना है, 500 मीटर का, दोनों एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो ये दूरी हो गया, ये रिलेटिव स्पीड हो गया, तो हमेशा जब भी पकड़ेगा तो वो रिलेटिव स्पीड के साथ पकड़ेगा। चलिए नॉन स्टॉप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है, रिलेटिव स्पीड की मतलब कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और मेरा प्रॉब्लम भी टाइप भी खत्म हो जाएगा, समझे। और आप लोगों को मटेरियल अभी तक मिल नहीं पाया इस चीज का, आप सोचे 4 चैप्टर के बनाने के चक्कर में जो है अभी तक नहीं मिला, आज सबको दे दीजिएगा कल तक में। एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे, जो उससे 150 मीटर आगे है, जो उससे 150 मीटर आगे हैं, बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, यदि कुत्ता की चाल से बोला चाल 36 किलोमीटर/आवर हो तो उसे बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा, यहाँ पकड़ने वाली बात जैसे आएगी वैसे रिलेटिव स्पीड, सबसे पहला काम करना रिलेटिव स्पीड। और चोर पुलिस कुत्ता बिल्ली ये सब जब भी भागेगा तो ये सेम डायरेक्शन में भागता है, अपोजिट डायरेक्शन में भागने से कोई फायदा है नहीं, समझे। तो जब सेम डायरेक्शन में भागता है तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घटेगा। एक मिनट 30 सेकंड लगेगा, तो देखो रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो रिलेटिव स्पीड में बताओ, इसमें कैट है ना, कल भी पकड़ लिए थे, हाल वही है, इसको फिर से बड़ी फोन वाला कर दो, तो वहां थोड़ा सा ऐसी बनी इससे अच्छा तो लाले है, ठीक है। चलो कैट का स्पीड कितना है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, यस सर। और डॉग्स का कितना है, 36 किलोमीटर/आवर है, इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड जो आप इसका निकालिएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 36 - 30 = 6 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। और ये 6 किलोमीटर को चूंकि आपको हमेशा काम मीटर पर सेकंड में करना है, इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में लाएंगे, तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 18, ठीक है, हम 5/3 क्या मीटर पर सेकंड, ये हो गया। आप कह रहा है कि कुत्ता जो है बिल्ली को पकड़ेगा, तो देखो इसमें होता क्या है, इसका थोड़ा सा लॉजिक बता रहे, कैट यहाँ है, डॉग यहाँ है, दोनों के बीच कितना का फासला है, 150 मीटर का फासला है। तो ये जो 150 मीटर का फासला है, तो ये कहने का मतलब ये जो स्पीड बताता है, स्पीड के बारे में देखिएगा यहाँ पे, ये स्पीड जो बता रहा है 5 मीटर/1 सेकंड, यहाँ समझिएगा, यही बता रहा है कि 1 सेकंड में कुत्ता हमेशा जो बढ़त लेगा कितना का लेगा, 5 मीटर का बढ़त लेगा, और यही 5 मीटर के कारण उसको क्या होगा, 150 मीटर को कवर करेगा और पकड़ लेगा। तब यहाँ पर बात आई कि जब 1 सेकंड में 5 मीटर का बढ़त लेता है तो हमको फाइनली बढ़त कितना का लेना है, 150 का लेना है, 150 करने के लिए इसको कितना से गुना कीजिएगा, 30 से गुना करोगे, इसको भी 30 से गुना करो,
कहने का मतलब कितना हो गया 150 मीटर है बटे कितना हो गया 30 सेकंड। तो कहने का मतलब कुत्ता जो बिल्ली को पकड़ लेगा फाइनली कितना सेकंड में 30 सेकंड। आप लोग का निकला था 1 मिनट 30 सेकंड 5 बटे 3 मीटर ये 5 मीटर बाय है कितना 3 सेकंड कहने का मतलब 3 सेकंड में 5 मीटर का बढ़त ले रहा है। तो फाइनली जो है ये 30 से इसको गुना कर दो तो ये 150 मीटर हो जाएगा। 150 मीटर का बढ़त ले लिया तो इसको भी 30 से गुना कर दो तो यही तो टाइम हो गया ना। ये टाइम निकालोगे तो 90 सेकंड हो गया। 90 सेकंड करने का मतलब 1 मिनट कितना 30 सेकंड यही बोल रहे थे आप लोग। या नहीं तो आप यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाओगे टाइम बराबर तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस 150 बटे हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड देना है। क्या देना है रिलेटिव स्पीड 150 बटे 5 बटे क्या लगाएंगे 3 तो ये हो जाएगा 150 ये पलट के 3 ऊपर जाएगा बटे 5 तो ये हो जाएगा 90 सेकंड ठीक है। हम चलो अगर इसमें अब आपसे क्वेश्चन अगर हम पूछे कि बिल्ली पकड़े जाने तक कुत्ता कितना दूरी कवर किया होगा तब क्या होगा इसका आंसर एक लिखो इसी में क्वेश्चन उपरोक्त प्रश्न में। हाँ ऐसा आ सकता है ना लिखिए उपरोक्त प्रश्न में बिल्ली को पकड़ने समय तक कुत्ता के द्वारा तय की गई कुल दूरी सोचो इसमें देखिए है क्या कि जिस समय कुत्ता यहां से पीछा करना शुरू होगा तो बिल्ली थोड़े बैठल रहेगा भागेगी तो करने का कुछ ना कुछ ये भी डिस्टेंस कवर करेगा आगे बढ़ेगा। ये जब आगे बढ़ेगा तो इसका कुत्ता का 150 मीटर का फासला तो ही है जितना दूर आगे बढ़ेगा जो भी भागे तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा इंक्लूड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है देखिए कि डॉग्स डिस्टेंस लिखिए या डिस्टेंस ऑफ डॉग ये जो टाइम बताता है ये 90 सेकंड जो बता रहा है ये पकड़ने का समय बता रहा है। क्या बता रहा है पकड़ने का समय कहने का मतलब जब भागा दौड़ी शुरू हुआ होगा तो 90 सेकंड जो है कुत्ता भी भागा होगा 90 सेकंड क्या होगा बिल्ली भी भागा होगा क्लियर बात समझ गया। ये दोनों है जब भागना शुरू किया होगा तो ये भी 90 सेकंड भागा होगा और ये 90 सेकंड भागा तो इसका स्पीड ज्यादा होने के कारण 90 सेकंड मैनेज करते हुए क्या होगा मतलब बिल्ली पकड़ा गया। ये 90 सेकंड का ही यूज करना है तो कुत्ता कितना दूरी कवर किया होगा तो इसमें क्या करना है डॉग्स का स्पीड ले लेना है और टाइम टेकन आपको लेना है पकड़ने वाला समझ गए। तो कुत्ता का स्पीड कितना है देखो 36 तो इसको 5/18 कर लो गुना पकड़ने में कितना 90 सेकंड लगा 18 × 90 5 इसको कर लोगे 36 900 मीटर हाँ तो उसका भी स्पीड 30 है तो 900 मीटर पकड़ाएगा ठीक है। तो मतलब पकड़ने टाइम तक में 900 मीटर कुत्ता दौड़ेगा ये समझ गया। अठारह पचे नब्बे छत्तीस पचे एक सौ अस्सी अठारह पचे नब्बे हाँ ठीक है 900 मीटर। आप इसको और भी मतलब क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जब कुत्ता इतना दूरी कवर किया होगा तो बिल्ली कितना दूरी भागा होगा देखो जरा बिल्ली का निकाल लो इसमें बिल्ली का स्पीड है गुना क्या हो जाएगा पकड़ने वाला समय डिस्टेंस ऑफ कैट तो कैट का स्पीड कितना है 30 है 30 को करोगे 5/18 गुना कितना हो जाएगा 90 18 × 5 = 90 कहने का मतलब कितना हो गया 5 × 3 = 15 15 × 5 = 75 750 देखो फासला मेंटेन किया ना। अब फासला मेंटेन करने का मतलब है कि कुत्ता जो है 900 मीटर दौड़ रहा है 90 सेकंड में तो बिल्ली जो है 750 दौड़ रहा है और इसके बीच पहले से फासला कितना था 150 का था जो देखो 900 मीटर हो गया बात समझ गया बात समझ में आई।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जिसका मतलब डिस्टेंस पूछेगा तो पकड़ने वाला समय को ले लेना है केवल, क्योंकि वो रिलेटिव स्पीड से आया है तो वो समय जो बताएगा दोनों का बराबर दौड़ने का टाइम बता देगा, दोनों का बराबर दौड़ने का टाइम बताएगा दोनों का, हम लोग क्या करेंगे अलग अलग स्पीड लेंगे और बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चले क्वेश्चन है, एक चोर अपराहन 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता अपराहन तीन बजे लगता है। कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछा करता है। तो वह चोर नंबर एक, इसमें दो तीन सवाल पूछेंगे तब इसमें कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए आप लोग। वह चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा, टाइम बताना है, उसके बाद कितने बजे पकड़ा जाएगा, समय के साथ उसमें बजे भी लिख दीजिएगा, कितने समय और बजे दोनों। उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखिए, चोर पकड़ने तक कुल कितनी दूरी तय कर चुका होगा। और अगला क्वेश्चन है, मतलब इसी का तीसरा पार्ट लिख लीजिए, पुलिस जब चोर को पकड़ चुका होगा उस समय कुल कितनी दूरी तय किया होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है, रिलेटिव स्पीड निकालना है। रिलेटिव स्पीड निकालो, चोर का स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर बराबर है और एक का कितना है 75, क्या हो गया इसको मार्कर तो है, तो इसका हो गया कितना 15 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया 15 किलोमीटर पर, यहाँ 60 दिया हुआ है और यहाँ 75 दिया हुआ है तो बराबर हो गया कितना 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्लियर, रिलेटिव स्पीड हो गया। अब इसमें है क्या कि आपको दूरी मेंशन नहीं किया मगर आपको सोचना है दूरी कितना होगा, समझ गए, दूरी चोरी हो रहा है कितना, 2:30 बजे चोरी हो रहा है और मालिक को कितना बजे पता चला है 3 बजे, तो चोर जो है आधा घंटा भाग चुका है और किस स्पीड से भाग रहा है 60 से, मतलब एक घंटा में 60 किलोमीटर जाएगा, आधा घंटा का फासला हो चुका है। अब चोर और मालिक के बीच कितना दूरी हो गया है 30 किलोमीटर का, तो कहने का मतलब अब यहाँ पे 3 बजे जो है मतलब 2:30 से जब भागा है तो कहने का मतलब इसके बीच जो डिस्टेंस हो गया कितना का हो गया 30 किलोमीटर का, समझ में कोई दिक्कत हुई, क्या कि चोर भाग रहा है मेरा किससे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो आधा घंटा में कितना चल जाएगा 30 किलोमीटर चल जाएगा, बात समझ गया।
अब हो गया। अब ये 30 किलोमीटर की फासला पर जो है, एक तरफ यहाँ मालिक खड़ा है और यहाँ पर आप कौन है, चोर, चोर खड़ा है। मतलब दोनों के बीच का फासला कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। अब रिलेटिव स्पीड से भागा भागी शुरू करेगा, ठीक। अब यहाँ रिलेटिव स्पीड 15 किलोमीटर बराबर है, तो यहाँ पे हम जो टाइम निकालेंगे तो टाइम आपका हो जाएगा डिस्टेंस बाय क्या, रिलेटिव स्पीड। कितना हो गया, 15 काटोगे कितना हो गया, दो आवर। मतलब 2 घंटा के बाद चोर पकड़ा जाएगा, ठीक। पहला प्रश्न आपसे यही पूछे थे कितना घंटा में पकड़ा जाएगा, 2 आवर में चोर पकड़ा जाएगा। दूसरा प्रश्न था कितना बजे पकड़ा जाएगा, कितना बजे पकड़ा जाएगा। तो पकड़ा पकड़ी का खेल जो शुरू हुआ है 3 बजे शुरू हुआ, क्या 2:30 से उसका कोई रेस करने वाला नहीं था 3 बजे तक, ठीक। अब उसका पकड़ाने की संभावना होगी 3 बजे के बाद होगा, अब 3 बजे से पीछा किया जा रहा है और 2 घंटा के बाद पकड़ा जाएगा, तो मतलब 5 बजे बाद क्या होगा, पकड़ा जाएगा। यही क्वेश्चन था, इसको हम चेंज किए थे। तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चोर जो है जिस समय तक पकड़ाने के कंडीशन मतलब पकड़ा रहा होगा उस समय तक चोर की दूरी कितनी थी, चोर का, चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो पकड़ाने वाला समय का हमेशा यूज कीजिएगा 2 घंटा का, क्योंकि दोनों दो दो घंटा भाग रहा है, समझ गए। तो चोर का स्पीड कितना है, 60 है, और दो घंटा भागा तो कितना दूरी तय किया होगा, 120 किलोमीटर। जबकि पुलिस कितना कवर किया होगा, पहले से जो चला 30 किलोमीटर, कौन चोर, वही तो दोनों आ जाएगा इसमें, चोर तो लगातार भाग ही रहा है ना, तो 2 घंटा चोर आ रहा है ना, पहले भाग रहा है, लेकिन आगे आ जाएगा। आपको कहने का मतलब 2:30 पे चोरी हुआ, 3 बजे पता चला है, ठीक। तो चोर तो कंटिन्यू भाग रहा है, 3 बजे एग्जैक्ट जो मालिक उसका पीछा करना शुरू कर दिया है, ठीक। अब देखिए पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अब मालिक जो है कितना दूरी तय कर रहा है देख लीजिए मालिक का। अच्छा, कहने का मतलब ये कह रहे कि अच्छा सॉरी, आपका लॉजिक सही था, हम ये टाइम गड़बड़ लिए, कहे कि 2 घंटा के बाद तो पकड़ा रहा है, ठीक है, मगर ये 1/2 घंटा पहले भागा हुआ है, ठीक। तो इसमें 2.5 घंटा का यूज हो जाएगा, मालिक के लिए 2 घंटा का यूज होगा, दोनों एक साथ नहीं भागा। थोड़ा सा इसको कीजिएगा, ये दो चीज समझ में आया ना। यस सर, वो तो समझ में आ गया। इसको चोर के द्वारा तय किया, मालिक के द्वारा थोड़ा निकालने दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मालिक के द्वारा तय की गई दूरी कितना निकला बताओ, 75 × 2 150 किलोमीटर, नहीं तो दोनों के बीच 30 किलोमीटर का फासला, नहीं यही सही है, हमेशा ऐसे निकाला जाता है चोर के द्वारा, है ना। जोर हमेशा 30 किलोमीटर कम चलेगा, इसलिए उसके बीच का फासला 30 किलोमीटर है। जब पकड़ा जाने तक तो दोनों एक ही जगह से भागा सकते हैं। तो हम लैंग्वेज क्या लिखा है, पकड़ा जाने तक कितना दूरी तय किया है चोर के द्वारा जी, तो जहाँ दोनों तो एक ही जगह से भाग रहे हैं, जहाँ से उन्होंने भागा वहीं से पीछा करता है। तो इसका कहने का मतलब यही होगा, देखो तब कहने का मतलब सेम दूरी होगा, तो सेम दूरी हो जाएगा, लैंग्वेज वही लिखा गया, पकड़ाने तक कितना दूरी तय किया है जी, तो यहीं पे आपका हो जाएगा तब 2.5 आवर यूज हो जाएगा, काहे का 1/2 घंटा पहले भागा है, 2 घंटा के बाद पकड़ा जा रहा है, तो 2.5 घंटा चल रहा है, तो 60 × 5/2 हो जाएगा कितना, 2:30, ये भी 150 किलोमीटर, ये भी 150 किलोमीटर चलेगा दोनों पकड़ा। अच्छा, मेनली जो इसमें बताना चाह रहे थे वो सीखे ना कि रिलेटिव स्पीड से जैसे हमको निकालना है, टाइम आपको बता देना टाइम कैसे पकड़ा रहा है, उसके बाद इसमें हम चोर का बेकार पूछ दिए, हमको पुलिस का पूछना था, पुलिस पकड़ने तक कितना, ज़्यादातर यही पूछता है, हम दोनों का अलग ही बना दिए थे। तो आपको ये ध्यान देना है कि जिसके भी बारे में पूछे तो उसका हम क्या करेंगे, स्पीड यूज करेंगे और एक घंटा
यहाँ पर आप क्या कह रहे थे कि सर 4:30 से पकड़ा जाएगा? सर उसी में ऐड कर दिए थे। इसमें 2:30 बजे वाला में नहीं, तो 2:30 बजे तक उसका पीछा नहीं किया गया, पीछा 3 बजे के बाद से शुरू हुआ। 3 बजे मालिक उसका पीछा करता, तो 3 बजे के बाद मालिक 2 घंटा चलेगा तब उसको पकड़ेगा, तो 5 बजे पकड़ाएगा एग्जैक्ट। ये सही है, लिख लो। और क्वेश्चन? हाँ, तो दोनों सेम दूरी कवर करेगा तभी नहीं। ये मतलब लैंग्वेज इसका मेरा थोड़ा सा उल्टा लिखा गया। हम क्या बोले हैं, चोर पकड़ाने तक चोर कितना दूरी तय किया हुआ, यही। तो चोर जो है पकड़ाने तक में 30 किलोमीटर इधर चला है, 20 किलोमीटर क्या दिखा, मतलब 120 किलोमीटर उधर चलेगा, तो कुल मिला के 130 से 20 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और फाइनली जो है 2 घंटा में जो है उसका मालिक भी 150 से लेगा, तब एग्जैक्ट उल्टा आ जाएगा। हमको चोर के बारे में नहीं पूछना था, मालिक के बारे में पूछना था, ठीक। कन्फ्यूजन है क्या तुम दोनों को? उधर आप कहाँ तक बैठे हो? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, टाइम हो गया। इसमें चोर पुलिस वाला जो है ना, कम से कम जितना भी क्वेश्चन है ढूंढ के उसको बनाइएगा। इसमें 3-4 था, बता ही दिए। मार्क्स कल पक्का श्योर दे देंगे, चेक नहीं किया कल, तब मार्क्स देंगे तो फिर उसका डिस्कशन क्लास भी कल दे देगा, तब इस क्लास को ड्रॉप करके रखेंगे, इसको ड्रॉप कर दीजिए। तो सर अगर आओगे तो ना, तुम लोग को हम पहले से ही हिदायत दे रहे हैं, तुम लोग अगर लेट करोगे तो फिर हम लेट आना शुरू करेंगे। भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्हें से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।